हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो जाति और धर्म की बात करते हैं, बोले तेजस्वी। भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें गरीबों से लेना देना नहीं है। हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं और वो लोग हिंदू मुस्लिम की बातों में उलझा कर रख देते हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं, वो मोदी की बात करते हैं। उक्त बातें मंगलवार को जनता उच्च विद्यालय के मैदान के महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। लगातार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के लोग जीतते रहे हैं। बिहार में उनकी सरकार है, 17 सालों में बिहार का न विकास हुआ न केंद्र का विकास। उन्होंने कहा कि अभी भी गरीबी छाई है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है। शिक्षा चिकित्सा जिसमें सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो रहा। अभी भी विद्यालय में ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, नीचे से ऊपर एनडीए के लोग बैठे हैं। विधायक उन्हीं का, सांसद और मुख्यमंत्री भी उन्हीं का, प्रधानमंत्री भी उन्हीं का, फिर भी काम नहीं हो रहा। हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख से अधिक नौकरी देने का कार्य किया, कई जन कल्याणकारी पॉलिसी लाए, लेकिन केंद्र सरकार को एक खटक गया और उन्होंने हमारे चाचा को ही हाईजेक कर लिया। मैं ये कह देता हूँ कि अब चाचा से बिहार नहीं चलेगा। मंच पर उन्होंने मौजूद सभी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखिए, हमारी टीम युवाओं की टीम है, नई सोच की टीम है, जो कि बिहार को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के द्वारा उनके पूर्व के दिए गए भाषणों की छोटी छोटी क्लिप लोगों को सुनाई और जमकर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा, अगर रोजगार चाहिए, उद्योग कारखाना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में लालटेन का बटन दबाकर भाई चंद्रदीप को जिताने का काम करें। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे, संविधान खतरे में है। इस देश में 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। देश में हजारों करोड़ खर्च कर चुनाव होता है, लेकिन जनता का पैसा खर्च होता है, लेकिन पैसों के बल पर लोग विधायक खरीद लेते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कोई पूंजीपति कभी पूरे सांसद के विधायक को खरीद कर देश पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा, जब बंगाल दिल्ली में निषाद का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और संविधान एक है, फिर यहाँ आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? हमारे चारों विधायक को खरीद लिया और हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, हमें सड़क पर ला दिया। उन्होंने लोगों से हिंदी गठबंधन के राजद प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रदीप को वोट करने की अपील की। मधेपुरा से ब्यूरो चीफ गुलफराज शेख की खास रिपोर्ट। आप देखिएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी, ट्यूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, तीनों पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? 50,000 करोड़ का हम लोग साइन कराए निवेशकों से कि बिहार आकर के वो एग्रीमेंट किए कि बिहार में 50,000 करोड़ रुपया वो निवेश करेंगे, कारखाना खोले, उद्योग लगाइए, लेकिन चाचा जी मेरे पलट गए। हम उनको काम करते, रात रात भर अस्पताल घूमते थे, छापा मारते थे, 2-3 बजे रात की डॉक्टर जा रहा है कि नहीं, रहा दवा मिल रहा है कि नहीं, ना साफ सफाई है कि नहीं, ये काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन मोदी जी एक काम नहीं किए। हम तो चाचा जी का इज्जत करते, सम्मान करते, जहाँ रहे अच्छे से रहे, स्थिर रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। हमारे तो पिता तुल्य है, सम्मान तो करते करेंगे, लेकिन अब चाचा जी से बिहार संभालने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। बीमा भारती जी को हम लोगों ने पूर्णिया सर्टिफिकेट दिया, सब समाज के लोगों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हरित भारती पिछड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाई सब लोग एक हो गया है, सब लोग गोल बंद हो गया है। हम लोग नौजवान लोग हैं, नया बिहार बनाना है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नवी जी भी है, सब लोग हैं, आपके चंद्रदीप जी, इनके पिताजी सांसद होते थे, स्वर्गीय रवि जी, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं। इसलिए लालू जी ने कैसा कारखाना दिया, मधेपुरा को दिया कि नहीं कारखाना रेलवे का? मोदी जी ने कौन सा कारखाना दिया? कुछ ना। इसलिए आप लोग इंडिया का सरकार बनाइए, पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अगली पीढ़ी योजना को खत्म किया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपया किया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, बड़का झूठा पार्टी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और 1 करोड़ लोगों को मिलेगा और गरीब बहनों को रक्षाबंधन से साल में 1 बार गरीब बहनों को 1 लाख रुपया का हर साल हम लोग मदद करने का काम करें, वो सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन चंद्रदीप जी को आप लोगों को जिताना जिताइए है ना, दोनों हाथ उठा के बताइए।